ये वाली वीडियो बनाते हुए मुझे था कि मैं भी बनाऊंगी एक दिन, तो मैं आज बना रही हूँ व्हाट्स इन माय बैग। तो येलो कलर मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, मैंने इस टाइम पहना भी येलो है और मेरा बैग भी येलो है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट चीज़ तो सैनिटाइजर होता है जो यहाँ पे भी नीचे बढ़ा हुआ है आज के टाइम पे। उसके बाद में सबसे पहले आज मैं पहले मेकअप दिखाऊंगी। मोबाइल होता है सबसे पहले, वो तो मेरा कैमरा बना हुआ है इस टाइम पे। तो अच्छा, मैंने एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा पाउच अपने बैग में रखा होता है, जो मुझे अगर कभी मेकअप की ज़रूरत पड़े तो मैं ले लेती हूँ। तो इसमें सबसे पहले होता है कंटूर, जिसमें ब्लश भी होता है, बट आई हैव वॉच पैलेट। उसके बाद इसमें कॉम्पैक्ट होता है, जो आपने मेरी बहुत सी वीडियोज़ में देख चुके होंगे, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है तो ये मेरे पास रहता है। लाइनर होता है इसमें, लिपस्टिक होती है। इसमें सिर्फ तीन लिपस्टिक्स कलर्स होते हैं, लिपस्टिक्स कलर्स लिप कलर्स होते हैं, एक ये पेंसिल होती है और दो ये होते हैं बस। और इसमें मस्कारा होता है जो कि बीच में घुसा हुआ है। सो हियर वी गो। मैं फ्रॉमर का मस्कारा यूज़ करती हूँ, इसका नेम मुझे बहुत पता नहीं क्यों मुश्किल लगता है। बस मेरे पाउच में इतना ही होता है, मैं सारी चीज़ें रखती जा रही हूँ। उसके बाद मैं, बाय द वे, मेरे दो सेक्शन है, मैं अभी ये वाला सेक्शन देखती हूँ। मेरी बैग जिप पे यूजली पैसे होते हैं, टूटे पैसे को। उसके बाद ये फजूल सा डब्बा, इसमें एक्चुअली मैंने एक लॉकेट लिया था, पता नहीं कौन सी ब्रांड है, गिवन का मैंने लॉकेट लिया था 700 का, और वो ब्लैक हो गया। उसमें कहा था उन्होंने कि वो ब्लैक नहीं होएगा, बट हो गया, और वो मैंने उसका डब्बा ऐसे ही बस अंदर पहन के रखा हुआ है। इसके बाद मेरे बैग में है एयरपॉड, क्योंकि मैं गाना सुनने की शौकीन हूँ, गाने सुनने की शौकीन हूँ, तो मेरे साथ हमेशा रहते हैं। ये थोड़े हाई क्वालिटी वाले हैं और ये थोड़े लो क्वालिटी वाले हैं, तो मुझे ये वाला बहुत मसला होता है, क्योंकि मैं मोबाइल बहुत यूज़ करती हूँ, एडिटिंग भी करनी होती है, तो किसी में भी चार्जिंग ख़त्म हो जाए तो एक बैकअप होता है मेरे साथ। सो ये दो चीज़ें होती हैं। उसके बाद ये छोटा सा पाउच होता है, जिसमें मैं यूजली जो थोड़ी बहुत ज्वेलरी होती है वो रख लेती हूँ बीच में। इस वक्त मैं जिस रूम में हूँ, अगेन वहाँ पिपिंग की आवाज़ आ रही होगी। मेरी हर वीडियो में कुछ ना कुछ नीचे गिरता है। हाँ, और इसमें लिप एंड चीक टिंट होता है, जो मेरी मम्मा को बिल्कुल नहीं पसंद, पर मैं फिर भी लगाती हूँ क्योंकि हम डीट हैं। मेरी मम्मा कहती है कि ये वाला कलर तुम पे अच्छा नहीं लगता, और ये छोटी सी डिब्बिया होती है इसमें कुछ पड़ा हुआ। तो एक जिप तो हो गई ख़त्म, नाउ इट्स टाइम सेकंड पार्ट। इसमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं होंगी। मास्क, क्योंकि सारी ब्रांड्स के बाहर लिखा हुआ है नो मास्क नो एंट्री। अच्छा, उसके बाद ये आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, हेयर बैंड कहते हैं, ये मैं रखती हूँ क्योंकि मैं कॉलर जाती हूँ, तो वहाँ पे सम टाइम मुझे ऐसे बात ऊपर करना होता, तो उस टाइम पे ये मेरे काम आता है। ये घर लाइम लाइट से लिया था, मैंने एक ब्लॉग बनाया था वन डॉलर शॉप पे, और वहाँ पे मैं लाइम लाइट पे गई थी, वहाँ से ये मैंने लिया था अराउंड 300 का। उसके बाद घर की चाबियाँ, मेरे घर की चाबियाँ, बाइक के अंदर आऊँ तो मेरे पास कुछ ना कुछ होगा। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़, तो मेरे पास हमेशा बैग में रहती है। अच्छा, इसका नाम मुझे नहीं पता है, ये मैंने मनीषो से ली थी, बट इसकी फ्रेग्रेंस ओ माय गॉड, लाइक थोड़ी सी यू नो फ्रूटी सी है। मुझे फ्रूटी पसंद है, मेरी मामा को ना थोड़ी तेज पसंद है, तो ये सिर्फ मेरी है, तो ये कोई यू पता नहीं क्यों, पर मेरी मामा को मैंस की परफ्यूम ज़्यादा अच्छी लगती है, तो ये परफ्यूम
छोटे और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिक है, तो सबसे अच्छी बात ये। उसके बाद मेरे पास एक बॉडी मिस्ट होता है जिसकी फ्रेगरेंस मुझे इतनी ज़्यादा नहीं पसंद, बिकॉज मेरी परफ्यूम थोड़ी सी एक्सपेंसिव है और मैं बड़ी बड़ी हुई हूँ, किस करके नहीं लगा सकती उसको, तो एक बॉडी मिस्ट भी साथ रखती हूँ ताकि अगर बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत पड़ रही है या बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है तो बारी बारी लगाने के लिए, और ये हरदम भी हो रही है। और इसका नाम है, ये बाहर की है, लेजी फॉर फॉरएवर लव। उसके बाद होता है हमारा पाउच, पाउच नहीं वॉलेट, सॉरी वॉलेट, जिसमें मैं कभी कोई पैसे वैसे नहीं रखती, बस शौकी मान ली। ये बोर जान का है और इसके बारे में मैं क्या बताऊँ, और इसमें कुछ भी नहीं है लिटरली, आई डोंट थिंक कुछ होगा। अच्छा नहीं, ये तो कुछ नहीं, बस इसमें एक 10 रुपये का नोट है और इसमें कुछ कार्ड्स हैं, दैट्स इट एंड दैट्स इट, इसमें और कुछ भी नहीं। पर देखो, सारों के बैग में वॉलेट होता है तो मेरे बैग में क्यों नहीं होगा, मेरे बैग में भी वॉलेट होगा। अच्छा, उसके बाद मेरे बैग में होती है, अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मेरी 7th क्लास में फ़ोटो ली थी उन्होंने बैज के लिए, ये फ़ोटो मैंने अभी तक संभाल के रखी हुई है और ये मेरे बैग में होती है, पता नहीं क्यों, शायद मुझे अपने आप को देखना अच्छा लगता है और मैं उस टाइम में बहुत मन की थी। उसके बाद कुछ रसीदें हैं, मेडिसन की, कुछ फोन नंबर हैं और ये एक छोटा सा अजीब सा पाउच है, ये मेरी फ्रेंड की रिलेटिव ने दिया था मुझे, तो ये पाउच में हम बहुत कीमती चीज़ रखते हैं। इस पाउच में होते हैं कार्ड्स, क्योंकि मेरे पास वो डिवाइस नहीं है, मैं कोई डिवाइस नहीं डालती हूँ, मैं पैकेज करती हूँ, तो मुझे हमेशा कार्ड्स अपने पास रखने पड़ते हैं ताकि कभी भी हादसा हो जाए तो हम फ़ौरन से डाल देते। तो यही चीज़ें थी और मेरा बैग खाली हो चुका है, मैं बहुत मैसी कर लूँ तो मेरा बैग भी मैसी है। मुझे नहीं पता था, वैसे मेरे छोटे से बैग में बहुत सी चीज़ें निकली हैं आज, तो या दैट्स इट फॉर द ब्लॉग। आई थिंक कि मेरी आवाज़ अच्छी आई होगी, बीच में आवाज़ सारा कुछ ठीक आया होगा, वरना फिर मुझे 22 रुपये देना पड़ेगा और पता नहीं मैं वो कैसे करूँगी। तो अगर आवाज़ अच्छी आ रही हुई तभी आपके तक मेरी ये वीडियो पहुँच सकती है। तो आज के लिए एक नए दिन के साथ, एक नई सुबह के साथ, अल्लाह हाफिज़। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, लाइक करिएगा। बाय द वे, मेरे 300+ व्यूज़ हो रहे हैं, तो जल्दी से मेरे 300+ सब्सक्राइबर भी कर दें, मेहरबानी आपकी।